हेलो गाइज, कैसे आप सभी। आज टेक्नोलॉजी के बढ़ते दुनिया में हर लोग अपने आप को अपडेट करने में लगे हुए हैं और हर लोग जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदल रहा है उस तरह से अपने आप को भी बदलने में लगातार लगे हुए हैं। और आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जो भी यूट्यूबर्स हैं या आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी हो सकता है। हम इस वीडियो में आपको बताने आए हैं यानी एक ईमेल आईडी से कितने यूट्यूब चैनल चलाए जा सकते हैं और अगर चलाए जा सकते हैं तो क्या क्या समस्याएं आ सकती है, यानी जो है क्या बेस्ट हो सकता है यानी YouTube चैनल रन करने का। इन सभी समस्याओं को हम आपको समाधान बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं यानी बारी बारी से। देखिए आज का जो टाइम है ये ग्लोबल जो है ग्लोबल सिस्टम का है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है और इसमें एक व्यक्ति जो है कई सारे जो है चैनल्स को रन कर रहे हैं। लेकिन समस्या यहां पर यह आ जा रहा है कि यानी बहुत सारे यूट्यूबर जो नए यूट्यूबर बन रहे हैं वो एक ही ईमेल आईडी से बहुत सारे चैनल को चलाना चाहते हैं। लेकिन समस्या यहां पर आ जाएगा कि अगर आप एक ईमेल आईडी से कई सारे यूट्यूब चैनल को अगर रन करते हैं तो समस्या यहां पर आ जाएगा कि अगर आपके एक यूट्यूब चैनल को अगर जो है यानी खत्म कर दिया गया या किसी तरह से स्ट्राइक आ गया तो आपके बार की सभी चैनल्स वो भी जो है यानी वो भी खत्म हो जाएंगे, वो भी समाप्त हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि एक ईमेल आईडी से अगर आप ढेर सारे यूट्यूब चैनल चला रहे हैं तब आप सावधान हो जाइए। यानी एक ईमेल आईडी से कोशिश आपको करनी है कि एक ही यूट्यूब चैनल बनाया जा सके और एक ही यूट्यूब को चैनल को चलाया जा सके, ताकि जो है अगर कोई चैनल अगर मान लिया जाए आप जो है अलग अलग ईमेल आईडी से अलग अलग चैनल को बना लीजिएगा तब अगर एक आध को डिलीट भी हो जाएगा तो बाकी सब चैनल बचे रह जाएंगे। लेकिन समस्या यहां पर उनके साथ आ जाता है जो लोग एक ही ईमेल आईडी रखे हुए हैं और ढेर सारे मल्टीपल अकाउंट जो है बनाए हुए हैं। और इसमें समस्या मेन यही आ रहा है कि अगर आपका एक चैनल डिलीट हुआ तो सारे चैनल आपके डिलीट हो जाएंगे और आपका अर्निंग स्टॉप हो जाएगा। तो बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका यह है कि अगर आप मल्टीपल अकाउंट चलाते हैं, मल्टीपल चैनल चलाते हैं, तो आपको मल्टीपल ईमेल आईडी भी होने चाहिए। यानी अगर आप बहुत सारे यानी एक YouTube अकाउंट को चला रहे हैं, YouTube चैनल को चला रहे हैं, तो आपके पास ईमेल आईडी भी सबके लिए अलग अलग होना चाहिए, ताकि अगर कोई एक जो है YouTube चैनल आपका डिलीट हो भी गया तो बाकी से आपका अर्निंग आते रहेगा और उससे कोई परेशानी होने आपको नहीं जा रहा है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपका एक ही साथ अर्निंग आना बंद हो जाए, क्योंकि अगर जैसे ही चैनल डिलीट होगा, एक चैनल डिलीट होगा तो आपके सारे चैनल डिलीट कर दिए जाएंगे। तो बेस्ट तरीका यही है कि जितना आपका YouTube चैनल है उतना ईमेल आईडी रखिए और सब अलग अलग ईमेल आईडी से अलग अलग YouTube चैनल को चलाइए। अगर किसी पर समस्या कुछ आया भी तो आपके चैनल को डिलीट नहीं किया जाएगा और अगर कोई डिलीट होता भी है तो आपका अर्निंग रुकेगा नहीं, आपका अर्निंग जो है कंटिन्यूअसली आते रहेगा और आप जो है सेफ जोन में रहिएगा। इसलिए आपको जो है, क्योंकि देखिए लगातार YouTube जो है अपना एल्गोरिदम बदल रहा है, लगातार YouTube अपने आप को जो है यानी जो है अपग्रेड कर रहा है और इस अपग्रेडिंग के तहत जो है बहुत सारे जो है वो अपने आप YouTube जो है अपने नियमों में बदलाव कर रहा है। इसलिए आपको जो है इस समस्या को से निपटना है तो आप अलग अलग चैनल के लिए अलग अलग ईमेल आईडी का जो है उपयोग कीजिए, ताकि आप इस समस्या से दूर रहें और आपके चैनल कभी कोई डिलीट होता भी है तो आप सेफ जोन में रहेंगे। तो चलिए इसी तरह के अपडेट हम आपको यानी टेक्नोलॉजी से देते रहते हैं इस वीडियो में इस चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी अपडेट अगर कोई न्यू होगा तो हम आपको देते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।